तो जैसे कि आज आप लोग देख रहे हो कि महाराष्ट्र राज्य से विदर्भ को अलग करने की मांग के चलते यहाँ पे टीया आंदोलन किया जा रहा है। राम नेवले जी के नेतृत्व में ये आंदोलन पुकारा जा रहा है, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि ये मांग क्यों की जा रही है, उनका क्या उद्देश्य है इस मांग को लेकर। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आज 9 अगस्त क्रांति दिवस है, आज से यहाँ पर बेमुदत ठिया आंदोलन शुरू हो रहा है। पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर ये आंदोलन शुरू हो रहा है। उसी प्रकार जो कोरोना है, जो कोरोना आया था उस वक्त सारे उद्योग बंद थे, महामारी थी देश के ऊपर में, उद्योग बंद थे, व्यापार बंद था, खेती बंद थी, रोजगार नहीं था, लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए बिजली के बिल जो है वो सरकार ने भरना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ये राज्य सरकार ने भरनी चाहिए, क्यों कि हमारे पास में पैसा बचा ही नहीं है तो हम कहाँ से भरेंगे। तो ये भी बिल सरकार ने भरना चाहिए। पेट्रोल डीजल इसके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, इसलिए इसके भी दाम केंद्र सरकार ने जल्दी से कम करना चाहिए। ऐसे तीन डिमांड को लेकर, तीन मांगों को लेकर ये विदर्भ आंदोलन यहाँ पे होने जा रहा है, ठिया आंदोलन हो रहा है। अब ये आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमने आज तक सरकार को 7-8 साल से, कई साल से बोला है, आंदोलन हुए, निवेदन हुए, मोर्चे हुए, घेराव हुए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अब हमने ये सोचा है कि आज सारे विदर्भ से लोग यहाँ बैठेंगे और ये भाजपा के सरकार को इशारा है, क्योंकि भाजपा की सरकार जो केंद्र में है उसी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम विदर्भ आपको अलग देने वाले हैं। और पृथक विदर्भ बनाना, छोटे राज्य के निर्माण करना, ये केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, ये राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को इशारा है, आपने आश्वासन दिया था उस मुताबिक पृथक विदर्भ राज्य बना दो, अन्यथा आपको विदर्भ से जाना पड़ेगा, चले जाओ की घोषणा आज यहाँ पे विदर्भवादी करने वाले हैं। और आज से पूरे विदर्भ में चले जाओ आंदोलन चालू होगा भाजपा का, एक तो तुम्हें विदर्भ दो नहीं तो आपको विदर्भ से जाना पड़ेगा। इस ढंग का आंदोलन गांव में, शहर में, खेड़ों में, सब जगह आंदोलन आज से चालू हो जाएगा। इसलिए आर पार की लड़ाई को अब सारी जनता यहाँ पे आ चुकी है, आ रहे हैं, और ये लड़ाई शुरू होगी। भाजपा को विदर्भ देना पड़ेगा नहीं तो विदर्भ छोड़ना पड़ेगा, ऐसी लड़ाई चालू हो गई। तो हम इनसे जानते हैं कि जो ये मांग है, इस मांग के बाद अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो इस मांग के बाद उनके क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है कि विदर्भ का क्या विकास हो सकता है। विदर्भ राज्य निर्माण होता है तो हमारे पास में ब्लूप्रिंट तैयार है। हमारे मंत्रिमंडल में जब मैं सीएम था प्रति विधानसभा में, तो डॉक्टर श्रीनिवास कांदे वाले प्रसिद्ध अर्थतज्ञ, उन्होंने 2 बजट मांडे थे विदर्भ के। उसमें 14-15 के बजट में विदर्भ की पूरी आय 41,510 करोड़ थी, उसमें इन्होंने 20% बिजली की दर कटौती किए थे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया था, फिर भी विदर्भ का खर्चा 41,400 करोड़ था, 110 करोड़ सरप्लस स्टेट था। बाद में एक मिनट, 17-18 में और डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले ने दूसरा बजट रखा था, उस समय विदर्भ की आय 13,000 करोड़ से बढ़कर 54,040 करोड़ हुई थी, और उन्होंने उस समय भी नए टैक्स नहीं लगाए, बिजली के दाम 20% कम किए, तो भी विदर्भ का खर्चा 52,380 करोड़ था, 1,660 करोड़ विदर्भ का स्टेट उस समय होता तो सरप्लस होता था। दूसरा ऐसा है कि विदर्भ राज होता है तो अकेले बिजली में विदर्भ 3 साल में अपना जो बैकलॉग है 65,000 करोड़ का वो भर निकाल सकता है, और वतन में ये हो सकता है। कैसा विदर्भ में या तो महाराष्ट्र में बिजली के दाम है एवरेज में डोमेस्टिक कंज्यूमर को 7.5 रुपया और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज को 11 रुपया 56 पैसा, अभी बढ़कर वो 13 रुपया 42 पैसा हो, अपन 11.5 भी पकड़ते हैं। तो अपने यहाँ 6,300 मेगावाट बिजली तैयार होती है, उसमें से 22,000 मेगावाट हम कंज्यूम करते हैं। हम मांगे उसको बिजली दी, किसानों को मुफ्त में दी, प्राइवेट डोमेस्टिक कंज्यूमर को 50% सब्सिडी में दी, तो भी विदर्भ को सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली लगती है, 2200 और 1100 2300 3300 मेगावाट होती है। हम उत्पाद करते हैं 6,300 मेगावाट,
6300 से 3300 मेगावाट निकाल दो, 3000 मेगावाट बचेगी। पश्चिम महाराष्ट्र में एक ही जल विद्युत प्रकल्प है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, वो है कोई नाम है। मराठवाड़ा में एक परली का है थर्मल पावर, उत्तर महाराष्ट्र में एक भुसावल का है और एक नासिक का है। पृथक विदर्भ होता है और महाराष्ट्र बचता है, तो उसके बाद में बिजली की काफी यह है, शॉर्टेज है। और हम ये 3000 मेगावाट बिजली इनको 1150 से भी बेचते हैं, तो भी एक साल में 1100 मल्टीपल 3 3300 और आधा 5.5 38500 करोड़ एक साल में, दूसरे साल में 38500 77000 करोड़, 2000 सरप्लस, तीसरे साल में 38500 बोले तो ये राज दो ही साल में पूरा बैकलॉग भरकर निकालने के 2000 सरप्लस होता है, तीसरे साल में 40500 से सरप्लस होता है, सभी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी यहाँ पे हल हो सकता है। और ऐसे में विदर्भ में 17वीं यानी ऑयल सीड दलहन और ग्रेन पैदा होते, 9.5 डिस्ट्रिक्ट में सफिशियंट वाटरफॉल है, पेरेनियल रिवर्स है और हम ये पानी अड़ाते हैं। तो जैसा TRS ने किया, वहाँ एक फसल होती थी पैडी की, अभी तीन होती है, प्रायोरिटी बदला, इरिगेशन को प्रायोरिटी दी, बैकलॉग खत्म किया, वैसा ही हम करते हैं। तो विदर्भ महाराष्ट्र में नहीं तो देश में नंबर एक का सरप्लस और वाइबल स्टेट हो सकता है, ये हमारी ब्लूप्रिंट तैयार है जी। जैसे कि आपने सुना कि विदर्भ का इस जो मांग चल रही है, इसके बाद अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो क्या विकास हो सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार चुनकर आई थी तो उस वक्त केंद्र सरकार द्वारा ये वादा किया गया था कि विदर्भ को अलग राज्य का नाम दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा, लेकिन वो अब तक वादा पूरा नहीं किया गया, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? 1997 में भुवनेश्वर में BJP ने जो ठहराव किया था उसमें उन्होंने बोला था कि हम छोटे राज्य के समर्थक हैं, उन्होंने फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड तीन राज्य दिए, तभी भी हमको विदर्भ नहीं दिया। 2010 से 2014 तक BJP वालों ने जो पूरा यानी कि जन जागरण यात्रा निकाली, शेगांव से नागपुर तक, शेगांव से कोराडी तक, और फिर आमगांव से खामगांव तक, और फिर बहुत सारी यात्रा निकाली, और उन्होंने बोला, देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में भी बोला था, मैं अमरावती की हूँ, उन्होंने बोला विदर्भ राज्य कैसे कायदेशीर और फायदेशीर, ऐसा भी बोला और बहुत सारे सब जगह पर बोला। 20 जनवरी 2010 को पूरा विदर्भ टोटल बंद था, एक पान टपरी भी शुरू नहीं थी, ये तो विदर्भ की मांग सब लोगों ने दिखा दी कि हम विदर्भ मांग रहे हैं करके। गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने चले जाओ का नारा 1942 में दिया था, तब परखियों ने भी विदर्भ को अपना भारत को स्वतंत्र करके उन्होंने दे दिया था, यानी कि परखियां भी दे सकते, तो हमारे स्वकीय, हमारे शेजा बाजू वाले हमको हमारा विदर्भ क्यों नहीं दे सकते, जो हमारा खुद का है तो वो क्यों नहीं दे सकते, अगर परखियां भी दे सकते हैं तो। ऐसा धर आयोग, JVP कमेटी, फजल अली आयोग, तीनों ने भी बोला था कि विदर्भ राज्य होना चाहिए, फिर भी नहीं किया इन लोगों ने। कांग्रेस ने भी अनेक बहुत सारे ठहराव किए, उन्होंने वो पारित किए कि विदर्भ राज्य होना चाहिए, मगर उन्होंने भी विदर्भ राज्य नहीं दिया, BJP वालों ने भी नहीं दिया, यानी कि दोनों ने भी अपनी रोटी सेक ली, और इसलिए बहुत सारे जनता जो है विदर्भ की, उन्होंने बहुत सारा विश्वास उन पर किया था, बहुत सारे मत दिए थे, वोट दिए थे, मगर अब उनको पता चल गया है कि इन्होंने 2014 से 19 तक उन्होंने बिल्कुल विदर्भ राज्य नहीं दिया, जबकि वो राज्य में भी थे और केंद्र में भी थे, मगर अभी हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे, हम हमारा हक अधिकार हम मांग के रहेंगे, और ये विदर्भ राज्य हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो हम हमारा छीन के लेंगे, इसलिए अब सारे लोग यहाँ पर आए हैं, और विदर्भ चंडिका माता को हमने एक महाआरती करके उनको एक ये मांगी है कि ये BJP वालों को बुद्धि दे, क्योंकि केंद्र सरकार दे सकती है तो उनको तो बुद्धि दे, अगर वो उनको बुद्धि आई तो विदर्भ दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम उनको विदर्भ से निकाल देंगे, चले जाओ बोलेंगे, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने बोला था वैसा हम उनको बोलेंगे। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि ये आंदोलन चालू हो चुका है,
तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक या कब तक जारी रह सकता है? जब तक मोदी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। ये सारी विदर्भ चंडिका माए ये आपके सामने है खड़ी, और ये विदर्भ की महिलाएं है, इन्होंने अभी ललकारा है, विदर्भ राज हमारा है। इसलिए मोदी जी को मैं यही बोलूंगी कि मोदी जी अभी हमारी मांग आप सुन लो और हमारा विदर्भ हमें दे दो, इतना मैं मोदी जी को ही कहना चाहूँ, क्योंकि विदर्भ देना ये केंद्र सरकार के हाथ में है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मांग क्यों की जा रही है, जो विदर्भ राज्य महाराष्ट्र राज्य से विदर्भ को अलग करने की मांग जो आपके द्वारा की जा रही है, तो ये इसका क्या उद्देश्य है, क्यों की जा रही है ये? हमारा उद्देश्य ये है कि हमको विदर्भ जब मिलेगा, मतलब जनता को विदर्भ मिलेगा, तो यहाँ पे सब मतलब जो आजकल जवान नौजवान लड़के खाली है, बेरोजगार पड़े हैं, हमारा विदर्भ होगा तो वहाँ पे बेरोजगार लड़कों को नौकरी मिलेंगी, काम धंधे आएंगे। हमारा जो अभी कोरोना के पीरियड में इतना बिल था, जो गैस है, सब महंगाई है, जब हमारा विदर्भ अलग होगा तो सब हमारा कम हो जाएगा। जो अभी आज के स्थिति में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बिल कम है, वो मतलब भरते ही नहीं, मुफ्त है, 200 यूनिट फ्री है, वो हमारे विदर्भ में 200 यूनिट फ्री होंगे। जैसा हमारा तेलंगाना हो गया, वहाँ पे पीने के लिए वाटर का पानी है, वो हमारे विदर्भ में मिलेगा। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को निवेदन यानी आह्वान कर रहे हैं कि हमारा विदर्भ उन्होंने हमको मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा जैसा ये अभी ठिया आंदोलन है वैसा हमारा ठिया आंदोलन चलता रहेगा। जैसे कि आप सबने सुना, लेकिन आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैं कि राज्य सरकार से आपकी क्या मांगनी है, जो पेट्रोल गैस की जो बढ़ती महंगाई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या मांगनी करना चाहते हो इस बार? मैं तो यही मांगूंगी कि जो उन्होंने इतने इसके भाव जो बढ़ा दिए, वो आम जनता के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतने ये देना रकम देना उनके लिए। जैसे कि यहाँ तक कि अभी ये कोरोना पीरियड में हम इतने पीछे आ गए हैं कि हमारे खाने के, आम जनता के खाने के वांदे पड़ रहे हैं, वहाँ से ऊपर से बच्चों की स्कूल वगैरह ये सब करके अगर यहाँ पे इतना पेट्रोल लाइट बिल या फिर गैस का इतना अगर पे करेंगे तो घर में खाएंगे क्या? भूख यहाँ वैसे तो हमें भूखे रहना पड़ेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सबकी अलग अलग मांगे चल रही है, हम और राय लेते हैं, हम और जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि और क्या उनकी मांगे हैं। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा ये तो हम सुन चुके हैं, अब आगे और जानते हैं कि सबकी क्या राय है इस पर। जा रहा है विदर्भ को महाराष्ट्र राज्य से अलग करने की मांग की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी सबकी जनता की राय है, विदर्भ की जनता की राय है कि देश के अंदर जो छोटे राज्य है, जैसे अभी हमारा एक दिल्ली एक केंद्र शासन का छोटा राज्य है, वे कोरोना काल की इतनी बड़ी विपत्ति आने के बाद में भी उन्होंने अपने राज्य को कंट्रोल किया, और वहाँ उनके यहाँ बिजली का प्रोडक्शन नहीं है, पानी की उत्पत्ति नहीं है, किसानी नहीं है, फिर भी वहाँ के लोगों को उन्होंने निःशुल्क बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया, और एजुकेशन फ्री, उन्होंने हेल्थ फ्री, यानी ये सब साथी बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से सारे जनता पर ध्यान दिया जा सकता है करके वे सुविधा दे सके करके। हमारा भी कहना है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा जैसे विदर्भ राज्य देने की बात की थी, और उस वक्त बाला साहब ठाकरे की सोच थी कि ये मारवाड़ी और गुजरातियों का राष्ट्र राज्य बनेगा, तो ये सोचने के वजह से उन्होंने विदर्भ राज्य का विरोध किया, और अटल जी राजनीतिक दबाव में आकर अटल जी ने वो राज्य नहीं दिया। अभी हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से ये कहेंगे, विनंती करेंगे कि आप एक निर्णय सक्षम नेतृत्व हो, तो आपके निर्णय सक्षम नेतृत्व के माध्यम से
विदर्भ राज अलग दे, ताकि यहाँ विदर्भ के लोगों के साथ में जो इस विदर्भ का जो पानी है, बिजली है, यहाँ पर खदाने है, यहाँ मैग्नीज है और यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, यहाँ सारी प्रकार जंगल है, ये सारे चीजें जो है विदर्भ के अंदर है, तो विदर्भ अपना एक अच्छा राज्य बनेगा जिससे विदर्भ के सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिजली बिल में कमी आएगी और साथ में यहाँ का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी अच्छी डेवलप होगी करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, उनके बाद में गृह मंत्री श्री अमित जी शाह जी से विनती है कि वे विदर्भ राज्य दे, ताकि विदर्भ राज्य देकर यहाँ के राष्ट्र के अंदर एक जीडीपी सुधारने का काम भी हो सकता है करके हम सभी विदर्भवासियों की आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से विनती है कि विदर्भ राज्य अलग देना चाहिए, यही डिमांड लेकर आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को निवेदन करते राज्य होना चाहिए, हमारी सारे विदर्भ के लोगों की मंशा है और विदर्भ जब तक होता नहीं तब तक यहाँ किसान है, बेरोजगार है और जो युवा है, ये सारा जो विकास है ये इसमें लटका है। विदर्भ राज्य जब तक होता नहीं तब तक विदर्भ का कोई विकास नहीं। यहाँ सारी चीजें मुबलक रहने के बाद भी आज विदर्भ ये पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा रहने की वजह यह है कि यहाँ का जो निकम्मा सरकार है, जैसा कि बीजेपी हो, बीजेपी ने वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे, अभी वो बीजेपी के हाथ में है कि केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है, उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में जब आएंगे तो विदर्भ राज्य देंगे, लेकिन अभी पिछले 2.5 साल हो गए लेकिन उन्होंने विदर्भ राज्य दे नहीं और ये एक विदर्भ के जनता के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किया, एक बहुत बड़ा तूफान सा उन्होंने खड़ा किया है और इसलिए ये आंदोलन चलते रहेगा। हमारी पार्टी भी उसके साथ है, विदर्भ राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी भी उनके साथ है और साथ मिलके विदर्भ राज्य लेके रहेंगे, ऐसा हमारा मंशा बना है। आप अमरावती से आए हो इस ठिया आंदोलन में सहभाग होने के लिए, सहभाग करने के लिए आप अमरावती से आए हो, तो आपकी क्या राय है इस आंदोलन को लेकर, क्या ये सही है या एक दृष्टिकोण से गलत है? मैं सुनील पाटिल साबड़े अमरावती से आया हूँ। ये पश्चिम महाराष्ट्र के जो नेता है, ये सब नेता विदर्भ को, विदर्भ पर अन्याय हो रहा है, सब ये पश्चिम महाराष्ट्र का विकास चालू है, विदर्भ सबके बारे में पीछे है, ये विदर्भ में ये बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई है, ये रोजगार कहते अपने बुढ़िया माँ बाप को छोड़कर पुनः मुंबई जाना पड़ रहा है, इसलिए ये हमारे विदर्भ राज्य, महाराष्ट्र राज्य पर इतना कर्जा होगा, ये कर्जे से ये हमारे विदर्भ का कुछ भी विकास होने की आप आज नहीं है करके हमको स्वतंत्र विदर्भ राज्य होना चाहिए, यही हमारी मांग है, इसलिए हम अमरावती से पूरी टीम लेके यहाँ आए हैं। दक्षिण पश्चिम का महासचिव मैं ये कहना है कि विदर्भ में बेरोजगार बहुत ज्यादा है ना, विदर्भ के बच्चे रायपुर मुंबई पुणे जा रहे कमाने के लिए, अपने माँ बाप को, अपने माँ, उनके माँ बाप ने उनको इंजीनियरिंग किराया, 12वीं पाया है, सब पाया है, किसी की माँ बर्तन मंज रही, कुछ मंज रही है, वो माँच के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कि मेरा लड़का आगे बढ़ के कुछ करे, उसके बाद वो लड़का नागपुर अपने माँ बाप को छोड़ के रायपुर जा रहा है, मुंबई जा रहा है, पुणे जा रहा है काम करने, तो ये मतलब क्या आ गया? विदर्भ में हर चीज है, हर चीज विदर्भ में मिलता है, कोयले की खान है, सब जगह है, यहाँ पे इतना बेरोजगार चालू है विदर्भ राज्य में, पूछिए मत। इसके वजह से मैं
ये बोलना चाहता हूँ, जय विदर्भ जय राज्य। हमको विदर्भ अलग चाहिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से यही है बस उम्मीद कि हमको विदर्भ अलग चाहिए, जय विदर्भ। तो जैसे कि आपने देखा कि ये महाराष्ट्र राज्य से विदर्भ को अलग करने का जो आंदोलन है, ये आंदोलन यहाँ पुकारा गया है जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। तो तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज।